नमस्कार, जराहट के हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए जान लेते हैं हरियाली तीज की शुभ मुहूर्त पूजा विधि, इसकी कथा और व्रत का महत्व क्या होता है। इस बार हरियाली तीज 3 अगस्त को मनाई जा रही है। हरियाली तीज का हिंदू पर धर्म को मानने वाली महिलाओं के लिए बेहद खास है। तीज पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की याद में मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए दिन भर व्रत और उपवास रखती हैं। हरियाली तीज का हिंदू पर्व को मानने वाली महिलाओं के लिए बेहद ही खास महत्व है। जैसा हमने आपको बताया है, महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखती हैं, और यही नहीं, अच्छे पति की कामना के लिए भी अविवाहित लड़कियां इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत रखने से विवाहित स्त्री के पति की उम्र लंबी होती है, जबकि अविवाहित लड़कियों को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज का त्यौहार मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज इस बार कब है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हरियाली तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। हरियाली तीज 3 अगस्त को मनाई जाएगी। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज की शुभ मुहूर्त कब पड़ रहा है। हरियाली तीज की तिथि 3 अगस्त 2019 है। हरियाली तीज की तिथि आरंभ 3 अगस्त 2019 को सुबह 7:06 से लेकर हरियाली तीज की समाप्ति 4 अगस्त 2019 सुबह के 3:36 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं हरियाली तीज का क्या महत्व होता है। हरियाली तीज को छोटी तीज और श्रावण तीज के नाम से भी जाना जाता है। सावन में पड़ने वाली यह तीज सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यह त्यौहार पति के प्रति अपनी पत्नी के समर्पण का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दिन गौरी शंकर की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सुहागिनों के पति दीर्घायु होते हैं और लड़कियों को मनचाहा वर मिलता है। आपको बता दें कि सुहागिन महिलाओं के बीच तीज पर्व का खास महत्व है। मान्यता है कि माता पार्वती के भगवान शिव के प्रति पति रूप में प्राप्त करने के लिए पूरे तन मन से करीब 108 सालों तक घोर तपस्या की। पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तीज पर्व पार्वती को समर्पित है, जिन्हें तीज माता भी कहा जाता है। कैसे मनाते हैं भारतवर्ष में तीज का त्यौहार। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं दिन भर व्रत उपवास करती हैं। साथ ही इस दिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें हरी साड़ी और हरी चूड़ियों का विशेष महत्व होता है। दिन भर स्त्रियां तीज के गीत गाती हैं और नाचती हैं। हरियाली तीज पर झूला झूलने का भी विधान है। स्त्रियां अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती हैं। कई जगह पति के साथ झूला झूलने की भी परंपरा है। शाम के समय भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के बाद चंद्रमा जी की पूजा की जाती है। इस दिन सुहागिन स्त्रियों को श्रृंगार का सामान भी भेंट किया जाता है। खासकर घर के बड़े बुजुर्ग या सास ससुर बहू को श्रृंगार का दान देते हैं। हरियाली तीज के दिन खान पान पर भी विशेष जोर दिया जाता है। हालांकि इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत रखती हैं, लेकिन फिर भी बिना मिठाइयों के त्यौहार कैसे मनाया जाता है भारत में, इसका तो हम अपने मन में ख्याल भी नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी बिना मिठाइयों के त्यौहार मनाना भारतवर्ष में बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए हर त्यौहार में आपको मिठाई जरूर देखने को मिलेगी। इसी तरह तीज के मौके पर विशेष रूप से घर में घेवर बनता है, जलेबी मालपुए बनाए जाते हैं, और रात के समय खाने में पूरी, खीर, हलवा, रायता, सब्जी और पुलाव बनाया जाता है। हरियाली तीज के लिए जरूरी पूजा और श्रृंगार की क्या क्या सामग्री है, वह आप एक दिन पहले ही लेके रख लें या फिर हरियाली तीज के दिन सुबह ले लें। हरियाली तीज के दिन व्रत रखा जाता है और पूजा के लिए कुछ जरूरी सामान की आवश्यकता होती है। पूजा के लिए काले रंग की गीली मिट्टी, पीले रंग का कपड़ा, बेलपत्र, जनेऊ, धूप अगरबत्ती, कपूर, श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, तेल, घी, दही,
शहद, दूध और पंचामृत इन सब की जरूरत होती है। वहीं इस दिन पार्वती जी का श्रृंगार भी किया जाता है और इसके लिए चूड़ियां, आलता, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, कंगी, शीशा, काजल, कुमकुम, सुहागा, पूड़ा और श्रृंगार की अन्य चीजों की जरूरत पड़ेगी। यह सभी सामग्री आप जरूर इकट्ठी कर लें। आइए इसके बाद आप इनकी पूजा विधि किस प्रकार से करें, आइए हम आपको बताते हैं। सुबह उठकर स्नान करने के बाद मन में व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले घर के मंदिर में काली मिट्टी से भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनाएं। अब इन मूर्तियों को तिलक लगाएं और फल फूल अर्पित करें। फिर माता पार्वती को एक एक कर सुहाग की सामग्री अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र और पीला वस्त्र चढ़ाएं। तीज की कथा पढ़ने या सुनने के बाद आरती करें। अगले दिन सुबह माता पार्वती को सिंदूर अर्पित कर भोग चढ़ाएं। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। यदि आपने हरियाली तीज की व्रत कथा नहीं सुनी तो आप हरियाली तीज के दिन यह व्रत कथा जरूर सुने। तो आइए शुरू करते हैं। हरियाली तीज की व्रत कथा इस प्रकार से है। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किया था। मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी और नाराज थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने उनसे आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुमने बहुत दुख हुआ। तुम मुझे यानी कैलाश पति शिव को मन में अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात को अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिवजी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर पर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पाताल लेख करवा दिए, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। श्रावण तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें वापस घर ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद बताया, हे पार्वती, श्रावण शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी, उसे तुम्हारी तरह ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। तो ये थी हरियाली तीज की कथा। तो हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच सके। और यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन पर दबाना ना भूलें, ताकि
इसी प्रकार की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके और आप अच्छी अच्छी जानकारी प्राप्त कर सको। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।